हेलो दोस्तों, रसोई की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ साबूदाने के बड़े, जो उपवास में व्रत में बहुत ही खाए जाते हैं और बच्चों को भी पसंद आते हैं। उसके लिए मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है, 3 उबले हुए आलू लिए हैं जो 3 से 4 सीटी लगा कुकर में लगा के मैंने रखा है, नमक, हल्दी, शक्कर, नींबू का रस, धनिया और कुटी हुई हरी मिर्च ली है। पहले हम आलू को, उबले हुए आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे और साबूदाना को मैंने एक थाली में 2 कटोरी पानी डाल के भिगा के रखा था। अब आलू मैश होके तैयार है, उसको साबूदाने में मिक्स करना है अभी और सब मसाले भी डालेंगे। पहले हम साबूदाना 3 से 4 घंटे भीग के अच्छे से तैयार हो गया है। अब आलू मैश किया हुआ अच्छे से मिक्स करना है और उसमें सब मसाले डालने हैं। उसके लिए मैंने 3 से 4 कुटी हुई हरी मिर्च ली है, वो डालेंगे। हरा धनिया है, अच्छे से धो के बारीक काट के लिया है। 2 से 3 नींबू का रस है, वो डालना है। आधी चम्मच शक्कर डालनी है, आधी चम्मच हल्दी डालनी है और नमक टेस्ट के अनुसार डालना है, जिसका नमक, जितना नमक आपको अच्छा लगे उतना। और अगर ये सादा नमक लिया है मैंने, अगर आपको उपवास का उपवास है तो फराली नमक भी आप ले सकते हैं। ये साबूदाने के बड़े बच्चों को भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब ये इसको ऐसे गोल करके दबा के सेब देना है, उसका अच्छे से दबा के रखे तो वो छुट्टे नहीं हो जाएंगे साबूदाने, और अच्छे से उसका सेप देना है। ऐसे दबा के गोला बना के फिर ऐसे दबा देना है। ऐसे सभी साबूदाने के बड़े तैयार करेंगे। आपको दूसरे अलग अलग सेप बनाने हो तो वो भी आप बना सकते हैं, जैसे कि स्क्वेयर, गोल, लंबगोल, ऐसे सभी सेप में आप बना सकते हैं। अब अच्छे से तेल गर्म हुआ हो उसमें एक एक करके साबूदाना डालिए और मीडियम आँच पर अच्छे से तल लीजिए। गोल्डन सुनहरे होने तक तलना है, एक बार पलटा के वापस तलना है। अच्छे से सभी साबूदाने के बड़े पलटा दीजिए और फिर तलने दीजिए। ऐसे अच्छे से ऊपर आ जाए तल के, तब तक तलना है और फिर सुनहरे हो जाए तो निकाल देना है। ये साबूदाने के बड़े बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं और बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। ये लीजिए उपवास में खाने वाले साबूदाने के बड़े तैयार। उसके लिए मैंने दही लिया है, दही में नमक, पिसा हुआ जीरा और लाल मिर्च डाल के तैयार किया है। वो साबूदाने के बड़े के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ये साबूदाने के बड़े आप जरूर बनाइएगा और कैसे लगे वो मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। मेरी और भी अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।